सर किस तरह का ये ट्रेनिंग सेशन था? और अब सोनी में अगर बात करो तो सेफ्टी किट अभी तक जो है वो एम्प्लॉइज को नहीं मिली है, बिना सेफ्टी किट के काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज आपने जैसे सैंपल के रूप में दो लोगों को जहाँ पे सेफ्टी किट जो प्रोवाइड की गई है वहाँ पे, अब एज ए इकट्ठी यहाँ पे लाना पॉसिबल नहीं था आज, लेकिन ये है कि फेस्ट मैनर में सब लोगों को जो सेफ्टी किट है वो प्रोवाइड की जाए। सर जिस तरह से कठुआ में स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है, क्या देखते हैं कि कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बसोड़ी में कब से इशू हो? देखिए, ऐसा है कि स्मार्ट मीटर मतलब ये नहीं है कि वो मीटर कोई तेज भाग रहा है, मीटर का मतलब मीटर ही है, ठीक है ना। अगर आपने किसी आदमी ने स्मार्ट वॉच पहनी, उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो घड़ी टाइम गलत दिखाती है या घड़ी टाइम फास्ट चलती है। वो स्मार्ट मीटर का जो होता है उसमें कुछ एडिशनल्स, कुछ बेनिफिट्स हैं कि जो आदमी वहाँ पे, एक तो बंदे को रीडिंग लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास उसकी रीडिंग आ जाएगी। दूसरी, बहुत सारे लोग, मैं पहले लोगों की शिकायत भी रहती थी, नहीं हम तो इतनी बिजली जी जलाते भी नहीं हैं, या मीटर वीटर जी इतना उसका ज़्यादा किराया डाल देता है, ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। अब ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वहाँ से मतलब आपके मीटर से वो कम्युनिकेट कर देगा हमारे उसके डाटाबेस के साथ, अब वो सुविधा ख़त्म हो जाएगी। आने वाले टाइम में देखिए टाइम ऑफ द डे टैरिफ भी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे पहले आपने देखा था एसटीडी का जमाना होता था, अगर आप 9 बजे कॉल करते तो आपको जो यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता था, अब दिने अनलिमिटेड टाइम में जी भी हो जाएगा। अगर इस समय से इस समय आपने बिजली का इस्तेमाल किया तो आपको ये रेट लगेगा, इस समय से इस्तेमाल किया तो आपको ये रेट लगेगा। देखो ना, ये पब्लिक के लिए भी फायदेमंद है और हमारे लिए भी फायदेमंद है। स्मार्ट मीटर की बात करूँ तो चार्जेस वगैरह क्या है इसके? भाई मैंने कहा मीटर मीटर ही है, चार्जर वही रहेंगे जो पहले वाला मीटर रिकॉर्ड कर रहा था। पहले वाला मीटर रिकॉर्ड कर रहा था, वहाँ पे हमारा बंदा जाता था रीडिंग लेने के लिए, वो रीडिंग फिर हमारे सिस्टम पे चढ़ती थी। अब एक मीटर रीडर के पास इतना इतना एरिया है, उसके पास इतने मीटर लगे होंगे, तो वो कहाँ पर जा पाएगा वो हर मीटर के पास डेली? वो फिर क्या करता था, 3 या 4 महीने में एक बार जाता था वहाँ से मीटरिंग उठा के ले आता, तो फिर 4 महीने के बाद जाता था मिसाल के तौर पर। अब तो आपको वो चीज़ ख़त्म हो गई है ना, अब ये है कि मतलब कि गुंजाइश शंका खत्म हो गई है कि मेरा बिल ज्यादा आ गया, जैसे हो गया ये खाली, हाँ ये खाली प्रोपोगंडा है एक ना, लोगों को मैं लगता है कि ये समझना चाहिए। जब हर चीज स्मार्ट हो रही है, आप देखिए ना, स्मार्टफोन आने से क्या फायदा हुआ, बात तो पुराने वाले फोन से भी हम करते थे। अब आपके पास ऐप्स आ गए हैं, आप रेल की बुकिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, बेसिक जो फंक्शन था इसका मोबाइल का, वो तो अभी भी बात सुना और वही है। बट जब स्मार्ट वर्ड आ गया, इसमें जो मर्जी फायदा लीजिए आप। तो स्मार्ट मीटर का फायदे की बात करें तो किस तरह का फायदा? देखिए, सबसे फायदा तो ये होगा, सच बताऊं मैं तो आपको, लोगों को एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलेगी। अब जम्मू जैसे जिन एरियों में जहाँ पे स्मार्ट मीटर फुली इंप्लीमेंट हो गए हैं, वहाँ पे ये हिदायत है कि वहाँ पर कोई बिजली की कटौती नहीं होगी। तो जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, हमें भी पता है कि हमें जितनी बिजली हम लोगों को दे रहे हैं उसका हमें प्रॉपर किराया आ जाएगा, तो हम भी लोगों को बेटर पावर दे पाएंगे। अगर मैं बात करूं स्मार्ट मीटर की, तो बसोड़ी में कब तक ये इम्प्लीमेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में किस तरह की तैयारी है विरोध के बाद? देखिए, ऐसा है कि अभी मीटर थे वो जो कंपनी लगा रही है, क्योंकि स्मार्ट मीटर का जो प्रोजेक्ट है खाली J&K में नहीं चल रहा है, ये थ्रू आउट इंडिया ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि हर एक डिस्कॉम के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो पावर है उसको हम मैनेज कर सकेंगे। स्मार्ट मीटर के बहुत सारे फायदे हैं, मैं बताने जाऊंगा तो हो सकता है लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन ये है कि मैं अपने घर में बैठ के देख सकता हूँ कि मेरा आज मैंने कितने बिजली के जोड़ चलाए हैं, मोबाइल पे चेक कर सकते हो अपने मोबाइल के साथ, हाँ आज मैंने मेरे महीने का कितना बिल आया है। ये स्मार्ट मीटर के फायदे हैं ना, आपको ये मतलब कि आपको ये नहीं कह सकते कि मीटर रीडर ने जी ये गलत कर दिया मेरे साथ, आप खुद भी रोज चेक कर सकते हो, रोज के रोज चेक कर सकते हो कि मैंने कितनी बिजली चलाई है। देखिए, आज के टाइम में क्या है कि बिजली ना कोई सर्विस नहीं है, ये कमोडिटी में उसमें आ गया है, ठीक है ना। जैसे बाकी चीज़ें होती हैं सर्विस में, ये सर्विस कैटेगरी में नहीं आता है। अब ये है कि अगर डिस्काउंट, हम भी बिजली ना बेसिकली पैसे से खरीदते हैं, तो ये है कि स्मार्ट मीटर के फायदे फायदे हैं, जैसे लोगों को थोड़ा सा एक गलत एक प्रोपोगंडा आएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन के फ्लैट रेट के पास आर फिर भी होता है कि लोगों का बिल ज़्यादा आ जाता है, जिसने मीटर नहीं लगाया हम उसको फ्लैट रेट लगा देते हैं। बट एक चीज़ मैं गारंटर जरूर देता हूँ, मैं अगर लोगों ने मीटर लगाए होंगे ना अगर, तो मुझे नहीं लगता है जैसे इन एरियो में मैक्सिमम जो मेजोरिटी ऑफ लोग रहते हैं, मुझे नहीं लगता उनका बिल
150-200 या 300 रुपए से ऊपर आने वाला है। तो क्या होता है यार, 250-250 रुपये बिल अगर किसी नॉर्मल बंदे का भी क्या होगा, अगर जैसे किसी घर में एक दो पंखा है, एक दो बल्ब चल रहा है, मुझे नहीं लगता उसका बिल 150-200 से ऊपर जाने वाला है। तो ये एक लोगों के अंदर एक गलत फहमी है कि स्मार्ट मीटर मतलब वो भाग मतलब तेज भागेगा, नहीं, स्मार्ट मीटर है वो प्रॉपर रीडिंग रिकॉर्ड करेगा, आपने जितनी बिजली खर्च की वो रिकॉर्ड कर जाएगी, ठीक है, आपको जितना किराया बनेगा आपको उतना किराया दे दीजिएगा। अब जो लोग बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, अगर वो 30 जून तक अगर वो मतलब कि बिजली खर्च करेंगे तो उनको रेट बड़ा कम सा लगता है, हो सकता है उस बंदे का बेचारे का 100 रुपये से ऊपर किराया ही ना आए, अगर वो मतलब के जो जरूरी चीजें हैं उसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो हीटर वीटर इस्तेमाल कर रहा है तो सीधी सी बात है हीटर थोड़ी बिजली तो ज्यादा थोड़ा सा खाता भी है, लेकिन ऐसा इशू भी नहीं है, फिर भी वो ज्यादा यूनिट नहीं आएंगी। अगर वो एक घंटा भी बिजली खर्च करेगा तो एक यूनिट मतलब एक यूनिट आ जाएगी उसकी, तो क्या हुआ, 1.5-2 रुपये का यूनिट था, 2-2.5 रुपये का, तो फिर भी अगर उसने 2 घंटे हीटर चलाया तो कितना 4 या 5 रुपये का उसका रोज का बिल आया, महीने का कितना हुआ 150 रुपया। बाकी और तो यहाँ पे कोई दूसरे इतने बड़े बड़े मकान तो है नहीं इन एरियो में, तो यहाँ पे जो एक गलत फहमी है कि स्मार्ट मीटर से बिजली का किराया ज्यादा आता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मार्ट मीटर के मतलब बहुत सारे फायदे हैं, आप अपने घर में देख सकते हो, जब चाहे आपका दिल कर सकता है। जी जी।